हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है रिव्यू वीडियो। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जॉय के न्यूली लॉन्च्ड फेस सेरम्स। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएंट्स हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक शॉर्ट सा फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द पैकेजिंग, मैं यहाँ पे एक ही सेरम का पैकेजिंग शेयर कर रही हूँ क्योंकि दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको आउटर बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी ह्यूज है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपको किस तरह से यूज़ करना है एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, साथ ही साथ इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट लिस्ट है, इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ इस पर मैंशनड है। नाउ मैं इसको आपको अंदर से शो कर देती हूँ। तो अंदर से जो है इस तरह का आपको बॉटल मिल जाएगा। तो ये ड्रॉपर जो है इसके साथ अटैच आता है, इसमें अलग से कोई भी कैप नहीं है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अलग से कैप रिमूव करना एंड देन उसके बाद यू नो ड्रॉपर को अब लाइक इंसर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारी गर्ल्स ये समझ सकती होंगी जिनके यू नो लॉन्ग नेल्स हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पहले से ही इस तरह से आता है। हाँ, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे जो है बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। मैंने नायका से ऑर्डर किया था। मैं दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इनकेस अगर आप परचेज करना चाहते हैं। तो इस तरह का ग्लास का बॉटल है, काफ़ी लग्जूरियस सा पैकेजिंग मुझे लगा, बहुत ही अमेजिंग सा पैकेजिंग है। मैंने इस तरह की क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी इतने लाइक छोटे ब्रांड से। आई मीन काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे भी आपको सारे डायरेक्शंस मिल जाएंगे एंड इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी, इसकी प्राइस मिल जाएगी। तो आपको अलग से इस पैकेजिंग को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ये मुझे थोड़ा हेक्टिक लगता है। तो ओवरऑल दिस इज़ दी पैकेजिंग। यहाँ से मैं ड्रॉपर भी शो कर देती हूँ। तो ड्रॉपर आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। अगेन ड्रॉपर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो ये तो हो गई पैकेजिंग की बात। अगर प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो इसका प्राइस है 349 रुपीज़। ठीक है, दोनों का ही प्राइस 349 रुपीज़ है एंड इसमें आपको मिल जाता है टोटल 30 ml ऑफ प्रोडक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल साइट पे है क्योंकि जनरली आपको यू नो 200-250 में जस्ट 10 ml की क्वांटिटी मिलती है। तो इसमें आपको टोटल कुछ 5 to 6 वेरिएंट्स मिल जाएंगे अलग अलग स्किन टाइप के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे दो टाइप के ऑर्डर किए हैं। एक है हाइड्रा बूस्टिंग इंटेंसिव रिपेयर, तो ये बेसिकली ड्राई स्किन वालों के लिए है एंड दिस वन इज़ एज डिफाइनिंग स्किन फॉर्मिंग सेरम। तो ये उन लोगों के लिए है जिन जो काफ़ी मेच्योर्ड हैं, जिन जो यू नो 30+ है, 35+ है, जिनको एंटी एजिंग की इश्यू है, तो ये उनके लिए है। तो एक एक करके मैं दोनों के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रा बूस्टिंग के बारे में। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ वेरी माइल्ड, थोड़ा सा परफ्यूम्ड फ्रेगनेंस है जो कि बहुत अच्छा लगता है एंड इंस्टेंटली चला जाएगा। तो जिनको यू नो फ्रेगनेंस से प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। नाउ कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रनी सी कंसिस्टेंसी है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे ये हल्का सा वॉटरी लगता है। तो दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल। ऑयली स्किन वाले भी इसको ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर बहुत ज़्यादा विंटर होगी तो आई डोंट थिंक सो कि ये सेरम आपको बहुत ज़्यादा यू नो हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मुझे एज सच अभी तक लगा नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ठंड आई नहीं है। ऑल दो अभी ये डिसेंट वे में वर्क कर रहा है। तो इस तरह का इसका फिनिश है, थोड़ा सा मैट फिनिश होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। कंसिस्टेंसी भी रनी है एंड फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एज डिफाइनिंग सेरम, तो इसकी फ्रेग्रेंस की अगर बात करूँ तो इसमें भी आपको माइल्ड फ्रेग्रेंस मिल जाएगा एंड दोनों का ही फ्रेग्रेंस बहुत डिफरेंट है, तो बिल्कुल भी सेम फ्रेग्रेंस नहीं है। अब इसको मैं अपने सेकेंड हैंड पे लाइक शो कर रही हूँ कि किस तरह का इसका कंसिस्टेंसी है। सो थोड़ा सा और लेते हैं। तो इसका कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा सा थिक है एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्किन वंस। तो इसको भी ब्लेंड करते हैं। इसका भी लाइक जो फॉर्मूला है ना थोड़ा सा वॉटरी है, देन आई थिंक कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ड्राई स्किन वालों को ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इफ़ यू आर समवन जिनको यू नो बिल्कुल हाइड्रेटिंग वाला सेरम चाहिए तो आप इनको परचेज मत कीजिए, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप डेफिनेटली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ तो यू नो इस वाले सेरम की अगर बात करती हूँ कि किस तरह का हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, तो आउट ऑफ 10 आई वुड लाइक टू गिव दिस 7, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो ये इस तरह से काम कर रही है। जहाँ पे ठंड कम पड़ती है उन लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा, बट जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना, हाइड्रेट करना है, देन आई डोंट थिंक सो कि ये सेरम बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंटी एजिंग वंस, तो इसमें भी मुझे एज सच नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा आपके फेस को लाइक
फेस के रिंकल्स को ठीक करेगा, क्योंकि मेरे फेस पे एज सच रिंकल्स नहीं है। ऑल्दो अगर दोनों ही सेरम की बात करूँ तो ये ओवरऑल डिसेंट सा ग्लो प्रोवाइड करते हैं फेस में। दिस वन इज गुड फॉर स्किन केयर, बट बहुत ज़्यादा ये यू नो वर्क नहीं करता जितना ये क्लेम करते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से मेरे कैट की नॉइज आ रही है तो, बिकॉज वी कांट हेल्प इट, एंड यस वो भी फैमिली के मेंबर है तो हम उसे ज़्यादा यू नो रोक टोक नहीं करते। ओके सो मूविंग टूवर्ड्स द रिव्यू, तो ओवरऑल इट्स एन डिसेंट प्रोडक्ट, आप इसको एक बार परचेज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दीज सेरम्स, आई डोंट थिंक सो कि मैं इनको सेकेंड टाइम परचेज करूंगी। तो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।